विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपने आपके घर के आसपास के विस्तार में, बगीचों में या प्राणी संग्रहालयों में विविध प्रकार के जीव देखे होंगे, जैसे कि मगरमच्छ या खरगोश या हिरण या कई अन्य प्रकार के पौधे भी आपने आपके घर के आसपास में देखे होंगे। परंतु विद्यार्थी मित्रों, इन जीवों के अलावा भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम इस तरह से सरलता से अपनी नग्न आंखों द्वारा देख सकते नहीं है। उन्हें देखने के लिए हमें विविध प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से देखा नहीं जा सकता। ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर 3 से 4 दिन पुरानी कोई रोटी हो तो उस पे कई बार धब्बे काले या हरे रंग के देखने को मिलते हैं, या कई बार हमारे घर में कोई बासी ब्रेड पड़ी हो तब उस पर भी इस प्रकार के धब्बे देखने को मिलते हैं। यहाँ जो आप रचना देख रहे हैं काले या हरे रंग की, ये सूक्ष्म जीव ही तो है। इन्हें देखने के लिए हमें विवर्धित लेंस या सूक्ष्म दर्शक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? तो इसके लिए बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी मात्रा में मिट्टी लीजिए तथा उसमें आप जल को मिलाइए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका आप अवलोकन कीजिए। जब आप उसका अवलोकन करते हैं तब आपको उस स्लाइड में इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों वाली रचना देखने को मिलती है। यहाँ जो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं ये सूक्ष्म जीव हैं जो कि मिट्टी में देखने को मिलते हैं। आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमने करना क्या है? तो हमें एक तालाब या पोखर से जल की कुछ मात्रा एकत्र करनी है। उसे स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से अवलोकन करना है। जब आप अवलोकन करेंगे तब आपको उस पानी की बूंद में इस प्रकार के सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। ये जो रचना है सूक्ष्म जीवों की ही तो है जो कि तालाब या पोखर के पानी में होते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप तालाब या पोखर का पानी बिना गर्म किए पीते हैं तब आपके शरीर में ऐसे अनेकों सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए। सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। ये भाग कौन कौन से हैं? तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। परंतु इन सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त एक और सूक्ष्म जीव का नाम आता है और वो है विषाणु अर्थात वायरस। यह भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव ही है, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा थोड़े से भिन्न होते हैं। यह भिन्न क्यों है? क्योंकि यह विषाणु किसी परपोषी के अंदर ही गुणन करते हैं, जैसे कि ये अन्य किसी जीवाणु में, पादप या जंतुओं की कोशिकाओं में रहकर अपना गुणन करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तथा भयंकर रोगों को भी आमंत्रित करते हैं। आइए कुछ ऐसे ही विषाणुओं द्वारा होने वाले रोगों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जुकाम तथा इन्फ्लुएंजा और अधिकतर जितनी भी खांसियां होती हैं सब विषाणु द्वारा ही होती हैं। पोलियो तथा खसरा भी विषाणुजन्य रोग हैं। पोलियो का वायरस किस प्रकार का दिखाई देता है वो आप इस चित्र में देख सकते हैं। नीचे बताया गया जो चित्र है उसमें खसरा के दर्दी के शरीर में इस प्रकार के निशान पड़ जाते हैं। अतिसार एवं मलेरिया यह प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। अतिसार के जो प्रजीव है उसकी आप आकृति देख सकते हैं और मलेरिया के प्रजीव भी इस प्रकार के दिखाई देते हैं। टाइफॉइड तथा क्षय रोग यह जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। कुछ जीवाणुओं के आकारों की बात करते हैं। जीवाणु स्पाइरल आकार के या छड़नुमा आकार के हो सकते हैं। क्लेडोमोनास नामक शैवाल इस प्रकार की दिखाई देती है और स्पाइरोगायरा नामक शैवाल इस प्रकार की रचना रखती है। अमीबा का आकार इस प्रकार का होता है। आपको एक बात बता दूं कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वे अपने आकार को बदल सकती है तथा पैरामीशियम इसका आकार सैंडल या स्लीपर के आकार का हो सकता है और यह प्रोटोजोआ है। राइजोपस, पेनिसिलियम तथा एस्परजिलस नामक कुछ कवकें इस प्रकार की संरचना रखती हैं। विषाणुओं का आकार आपको चित्र में दर्शाए गए अनुसार हो सकता है।
विद्यार्थी मित्रों, कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ये सब सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? आइए आपके इस प्रश्न का निराकरण करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, अर्थात वे अपने सारे क्रियाकलाप एक कोशिका में रह करके ही पूर्ण कर लेते हैं, जैसे कि कुछ जीवाणु और कुछ शैवाल। परंतु विद्यार्थी मित्रों, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि बहुकोशीय होते हैं, उनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं और वे समूह में रह करके काम करते हैं, जैसे कि कुछ शैवाल और कुछ निश्चित प्रकार की कवक। सूक्ष्म जीव हमें बर्फीले विस्तारों में, गर्म सतहों पर, रेगिस्तानी विस्तार में तथा दलदल वाले विस्तार में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, घास खाने वाले जो जीव हैं, उनके शरीर में खोराक के पाचन करने के लिए, सेल्युलोज का पाचन करने के लिए सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव वे स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक और जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीव समूह में रहना पसंद करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रोगों को जन्म देते हैं। आइए अब हम हमारे लिए उपयोगी सूक्ष्म जीवों की चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे कि प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता था। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी सूक्ष्म जीव उपयोगी ही हैं। कई बार जब आपके घर से निकलने वाला जो झूठन होता है, फल या सब्जियों के छिलके होते हैं, जब आप उन्हें फेंक देते हैं तो सूक्ष्म जीव उनको सड़ा देते हैं और कम हानिकारक पदार्थों में रूपांतरित कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है, साथ ही साथ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीव आवश्यक हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि राइजोबियम नामक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वे जमीन में नाइट्रोजन का स्थापन करते हैं, जो कि फसल उत्पादन के लिए वनस्पति को मदद करता है। विद्यार्थियों, दूध में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें से लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीवाणु प्रमुख हैं। यह दही में पाए जाने वाले जीवाणु हैं, जो कि दूध को दही में रूपांतरित करने में मदद करता है। जब आप दूध के अंदर दही के कुछ बूंदों को डाल देते हैं, तब यह जीवाणु उसमें घूर्णन करना शुरू करते हैं और अपने में से लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया है, वे लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं, जो कि दूध को दही में रूपांतरित कर देते हैं। इसके अलावा पनीर, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी जीवाणु सहायक होते हैं। दही का उपयोग रवा, इडली और भटूरे की बनावट में किया जाता है, तभी तो वे इतनी मुलायम या सॉफ्ट बनती हैं। आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। सर्वप्रथम एक पात्र में आधा किलो आटा अथवा मैदा डालें और उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म पानी से उसको थोड़ी मात्रा में इष्ट मिलाकर हिलाइए और अच्छे से गूंथ लीजिए। अब 2 घंटे बाद आप उस आटे का अवलोकन कीजिए। आप देखेंगे कि आटा उभरा हुआ या फूला हुआ दिखाई देता है, अर्थात आटे में खमीर उत्पन्न हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न हुआ होगा कि ऐसा क्यों हुआ? तो विद्यार्थियों, दरअसल इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है, जिसके कारण उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनते हैं और मैदे का आयतन बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। आप इस आकृति में देख सकते हैं कि गुथा हुआ आटा किस तरह से फूल चुका है। इस प्रकार बेकरी उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री तथा केक बनाने के लिए इष्ट बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होती है। सूक्ष्म जीवों का व्यापारिक उपयोग भी बड़ा महत्व रखता है। प्राचीन समय से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड का उत्पादन किया जाता रहा है, और आप जानते ही हैं कि यह सभी कितने महंगे उत्पाद हैं। जौ, गेहूं, चावल तथा फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में इस द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता रहा है। चीनी के अथवा शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को किण्वन अथवा आध्वन अथवा फर्मिटाइजेशन के नाम से जानते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में आपको क्या करना है? तो एक पात्र में 3/4 भाग पानी लें, उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलें, उसमें 1/2 चम्मच इष्ट का पाउडर डालें और 4 से 5 घंटे तक सामान्य तापमान पर उसको ढककर रख दें। कुछ समय बाद आप उसकी गंध का अवलोकन करें।
विद्यार्थी, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें एक पात्र में थोड़ा सा चीनी घोल लिया गया है और उसमें एक चपटी ईस्ट का पाउडर डाल दिया गया है। कुछ समय बाद जब आप इसको देखेंगे तो उसमें इस प्रकार का उभार देखने को मिलेगा। इसकी गंध अल्कोहल जैसी आपको प्रतीत होगी, यानी इस प्रकार अल्कोहल का निर्माण किया जाता रहा है। बड़े पैमाने पर भी अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज 1857 में की थी। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग भी बड़ा महत्व रखता है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन तथा प्रतिजीवी की गोलियों का स्रोत सूक्ष्म जीव ही होते हैं। यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और उनकी वृद्धि को भी ये रोक देते हैं। ऐसी औषधियों को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। किसी भी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके एंटीबायोटिक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों के चिकित्सा में उपयोग में लिया जाता है। ऐसी कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन दवाएं एंटीबायोटिक होती हैं। विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं एंटीबायोटिक बनाने की शुरुआत किस तरह से हुई? आइए उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के जो वैज्ञानिक थे, वे जीवाणुओं से होने वाले रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन प्रयोग पर काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि संवर्धन तस्तर पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु थे, जो कि जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे थे और कुछ जीवाणु फफूंद के द्वारा मारे भी गए थे। और इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन प्रतिजैविक बनाई गई और सबसे पहली बार प्रतिजैविकों का निर्माण होना शुरू हुआ। परंतु विद्यार्थी मित्रों, आपको एक बात जान लेनी अति आवश्यक है कि प्रतिजैविक की दवाई डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए तथा दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। कई बार हम जब बीमार पड़ते हैं तब डॉक्टर की सलाह लिए बिना ही ऐसी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। यदि आप प्रतिजैविक उस समय ले रहे हैं जब आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह प्रतिजैविक प्रभावी काम नहीं कर पाएगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित कई उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। साथ ही एक बात जान लेना और जरूरी है कि जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावी काम नहीं करते हैं, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं और विषाणु द्वारा होने वाले रोगों पर प्रतिजैविक काम नहीं कर पाते। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी को उत्पन्न करता है, जो रोगों से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करता है। शरीर को यह स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश करे तो उससे किस प्रकार लड़ना है, और वो उस रोग से लड़ने के लिए अपने शरीर में शक्ति पैदा करना शुरू कर देती है। इसीलिए क्या किया जाता है, हमें रोग हो उसके पहले ही मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए अपने शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न करना शुरू कर देती है और रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी सदा के लिए हमारे शरीर में बनी रहती है, यानी अगर आपको एक बार एंटीबॉडी दे दी गई है तब आपको दोबारा एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है, वे अपने आप अपने शरीर में बनना शुरू हो जाती है। इस प्रकार वैक्सीन या टीका काम करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी कई बीमारियों के टीके उत्पन्न किए जा चुके हैं। बचपन में यह टीके लगाए जाते हैं। आप अपनी माता श्री से पूछिएगा कि उन्होंने भी बचपन में आपको ऐसे कई सारे टीके हॉस्पिटल में लगवाए होंगे। चेचक जैसे रोगों के टीके की खोज करके पूरे विश्व में ऐसे चेचक का हमने नामो निशान मिटा दिया है। अब बारी है पोलियो की। पोलियो के टीके द्वारा हम विश्व को पोलियो मुक्त बनाने का संकल्प ले चुके हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी सूक्ष्मजीव हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जमीन में स्थापन कर सकते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, जिसके विषय में आप पिछली कक्षाओं में जान भी चुके हैं, और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। इसके लिए राइजोबियम नामक जीवाणु अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जो कि फलेदार पौधों की जड़ों पर पाए जाते हैं। आप ऐसे फलेदार पौधों की जड़ों को देख सकते हैं जिनमें आपको गांठें दिख रही होंगी। इन गांठों पर राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन का जमीन में स्थापन करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, सूक्ष्मजीव हमारे लिए पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी अति महत्व की भूमिका अदा करते हैं। आप सोचेंगे कैसे, तो आइए आपके इस प्रश्न का निवारण करते हैं। आपने कई बार सड़ते हुए पादप या सड़ते हुए जीव जंतुओं को या मृतदेहों को देखा होगा।
और कुछ समय बाद वे विलुप्त भी हो जाते हैं, ये भी देखा होगा। कुछ फलों के छिलके, सब्जियां या रसोई से निकला कचरा या झूठन भी कुछ समय बाद सड़ने लगती हैं। इसका मुख्य कारण है सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव ऐसे मृत या जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में रूपांतरित कर देते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर सूक्ष्मजीव ऐसा न करें तो वे वस्तुएं पड़ी पड़ी कितना सड़ने लगेगी, गंध पैदा करेगी और हमारा जीना भी दुर्लभ हो जाता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए सूक्ष्मजीव महत्व की भूमिका अदा करते हैं और वे पर्यावरण को शुद्ध भी करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने सूक्ष्मजीवों के विषय में जानकारी प्राप्त की तथा वे हमारे लिए किस तरह से लाभदायक होते हैं उसकी भी चर्चा की। इसके बाद की जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य मित्रों को शेयर करें ताकि वे इसे देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकें।